तो भाई हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए बस का फैसिलिटी बहुत अच्छा बस का फैसिलिटी है। मात्र 80 रुपये में पूरा रिजर्व करके हम लोग 20 रुपया पर है। अंडमान बहुत ही सस्ता है भाई, और बहुत ही यहाँ के लोग मस्त व्यवहारिक और काफी कॉपरेट करने वाले इंसान अंडमान में निवास करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट की ओर चल रही है। 10:50 बोर्डिंग टाइम, 11:50 फ्लाइट। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रही। विस्तार और इस मेहमान के क्रू की ओर से हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे आपको जहाज में ही बता दिया जाता है कि आप कितना नंबर रूम में आपका सामान जाएगा। जैसे हम लोग विस्तारा से उतरे और हम लोग को 10 नंबर रूम में जाकर अपने सामान को कलेक्ट करना है। आइए, और सभी अपने अपने सामान का इंतज़ार कर रहे हैं, बैगेज का, लगेज का। विस्तारा से जितने भी यात्रीगण उतरे हैं वो अपने अपने बैगेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारा बैग भी विजय बाबू उठा लिए, वो ग्रीन कलर का। धन्यवाद विजय बाबू। वापस चले गए। RT-PCR वैक्सीन होच्छे यहाँ पास पूछा जाता है, और जिनका नहीं हुआ है उनका किया जाता है। ये कोलकाता एयरपोर्ट। एग्जिट गेट है। Thank you.
अंडमान पार्ट वन में आप लोगों ने देखा 4365 में हम लोग टाटा नगर से पोर्ट ब्लेयर अपने होटल पहुँचे। पार्ट टू में आप लोगों ने देखा 5210 में हम लोग पोर्ट ब्लेयर से सेलुलर जेल और हैबलॉक आइलैंड घूमे, और पार्ट थ्री में हम लोग वापसी पोर्ट ब्लेयर से टाटा नगर। तो अब खर्च बता दे रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में हम जो होटल में ठहरे थे निशा होम स्टे में, 3 नाइट्स का 1500 रुपया, वहाँ खाने में खर्च 1200 रुपया, ऑटो और बस में भाड़ा 260 रुपया। पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता एयर विस्तारा का टिकट था 4200 रुपया। कोलकाता एयरपोर्ट टू हावड़ा एसी बस टिकट था 50 रुपया का। फिर हावड़ा से टाटा नगर ट्रेन का किराया था 215 रुपया, यानी कि 7425 रुपया ये हुआ। यानी हम लोग का खर्च लगभग 17000 रुपया पर व्यक्ति। हम लोग अंडमान घूमकर आ गए, लेकिन स्पाइस जेट की गलती के कारण हम लोग का वापसी विस्तारा में एक दिन पहले करवाना पड़ा और हम लोग नील आइलैंड नहीं जा सके। अगर जाते तो लगभग 3000 वहाँ खर्च होता है, यानी कि 17000 प्लस 3000, यानी कि 20000 के बजट में हमारा अंडमान का ट्रिप मज़े में होता। ध्यान रहे कि इसमें हम लोगों ने कोई भी वाटर एक्टिविटी नहीं किया है, और यह यात्रा सितंबर में हुआ था हम लोग का। धन्यवाद।